सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं जा रही हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह, बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। ये मैं बस स्टैंड पे पहुँच गई हूँ। अब बस में आप देख ही सकते हैं, ये मेरी पहली बस है। अभी मेरे को एक और चेंज करनी पड़ेगी बस, तो इसमें तो खैर इतनी भीड़ भाड़ तो है नहीं, बट ठीक है, सीट मिल गई है। और आप बताइए कमेंट करके ये जगह कौन सी है, बहुत फेमस प्लेस है। और आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर भी रश हो रखा है। गाइस, दिल्ली की एक बात तो है कि यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता बस के लिए ज़्यादा, बस आती जाती हैं। और बस अच्छी बस भी हैं, एसी वाले भी हैं, विंडो वाले भी हैं, तो सही है। दिल्ली में ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, ऊपर से मेट्रो वगैरह भी हैं, तो काफ़ी अच्छा है दिल्ली में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ये लाल बत्ती पे ही रुकेंगी ट्रैफिक्स। देखिए, दिल्ली में एक ये भी बात है, कार बहुत जेन्युइन जेन्युइन कार मिलेंगी आपको देखने के लिए। गाइस, मैं इतनी प्रोफेशनल व्लॉगर तो नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, और मुझे सपोर्ट करिए आप लोग और सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं और अच्छी प्रोफेशनल व्लॉगर बन जाऊँ, और बस ऐसी अच्छी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। और ये मेरी दूसरी बस आने वाली है, अभी नहीं आई है। यहाँ पे बस में चढ़ने के लिए भागना भी पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। हाँ, और ये बस मेरी आ गई है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, दिल्ली में महिलाओं के लिए और लेडीज़ गर्ल्स के लिए तो फ्री ही रहता है, बस पास लेना होता, नहीं तो जुर्माना ठोकेंगे अच्छे से लोग। पास ले लिया, और ये व्यू देख सकते हैं आप दिल्ली का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। यहाँ पे बैंकेट्स और मैरिज हॉल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, और मतलब बहुत अच्छा व्यू है दिल्ली का। दिल्ली में मतलब घूमने आऊँ, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए। और गाइस, मैं यहाँ पे बस उतर ही गई हूँ, और मैं जा रही हूँ अभी उस काम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी दूसरी बस का वेट ही कर रही हूँ। देखिए भीड़, देखिए बस में आप कितनी भीड़ है, क्या करूँ, धक्के खा के जाना पड़ता है। पर दिल्ली का व्यू बहुत अच्छा हो रखा है, मौसम व्यू बहुत अच्छा हो रखा है दिल्ली का, मतलब ट्रैवल करो ना तो बहुत अच्छा सा फील होता है, बहुत फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने अभी यूट्यूब शुरू ही किया है, मैं बना रही हूँ वीडियोस, बट मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। और ये देखो, मैं पटरियों को पार करते हुए जा रही हूँ। मैं एक्चुअल में आई हूँ यहाँ पे अपनी बुक्स लेने, केशवपुरम शायद आप लोग जानते होंगे, ये ड्यू का सेंटर है केशवपुरम में। और मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी 6th semester BA की बुक्स लेने आई हूँ, जो कि मुझे मिल गई हैं, बहुत लास्ट मोमेंट में मैं पहुँची हूँ।